फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज FI, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक। इस इकोनॉमी में ना, इस इकोनॉमी में अगर मैं एग्जांपल इंडिया का लूँ, हर एक इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, बट मैं अभी इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसा सरप्लस में होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिस पर पैसा डेफिशिएंसी में होगा। बहुत सारे, मैं बता, हम भी हैं, तुम भी हो। तो ये वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, एक वो मिडिलमैन है, एक वो विचोला है जो ये सरप्लस मनी को डेफिसिट मनी, मतलब जहां पे स्कार्सिटी है, ये सरप्लस को वहां पे देता है और अपनी कमीशन लेता है। अब लोगे सर ये तो फिर वही हुआ, बैंक्स। यस, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बेसिकली दो तरह के होते हैं, बैंक्स और NBFCs। दोनों का काम ये है कि जिसके पास ज्यादा उसे लिया और जिसके पास कम उसको दिया, बीच में कमीशन ली और साइड हो गया। वहां पे हमने कहा कि जिन लोगों के पास मनी नहीं थी, ऐसा जरूरी नहीं है, जिनके पास मनी भी है लेकिन वो मनी को यूज करना चाह रहे हैं। एक तो बंदे हैं कि अपना हमने सेविंग्स किया और सेविंग्स अकेला कर दिया, हमें यूज नहीं करनी सर, हमें सारी जिंदगी सेविंग्स करनी है, लेकिन तेरे पैसे किसी को तो यूज करने हैं ना। तो वो क्या करते हैं, ये इंटरमीडियरीज क्या करते हैं, दे चैनलाइज द फंड्स फ्रॉम द सेवर्स टू द यूजर्स। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, फ्रॉम द सेवर्स टू द यूजर्स, उनके पास वो फंड दे, दैट्स इट। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एक मिडिलमैन है, था और रहेगा, और मिडिलमैन से हमें अमूमन लोगों को दिक्कत आती है कि एक्सप्लॉइट करते हैं। हमेशा विचोला कहते ना कि हमारा एक बैड इंप्रेशन सा पड़ता है कि यार ये सब कुछ यही ले जाएगा कमीशन में, और जो एंड यूजर्स हैं दोनों उनको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन इस केस में फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर नॉट बैड, दे आर वेरी गुड। व्हाई? आप समझो कि अगर ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बीच में से निकल जाए, मान लो आज ये गायब हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा इकट्ठा हुआ पड़ा। आप भी मान लो बैंक खत्म हो जाए तो आप भी पैसा निकाल के घर ले जाओगे, और उस पैसे को क्या करेंगे हम, उसका यूज तो नहीं है, क्योंकि आप तो यूज कर ही नहीं रहे थे, आप तो सेविंग कर रहे थे उसकी, और वो पैसा पड़ा रह गया। या फिर मैं चाहूंगा कि वो पैसा कहीं ना कहीं मेरे को इंटरेस्ट में मैं किसी को दूं, वहां से कुछ ना कुछ मिलेगा, घर पे भी क्या रखना है, तो फिर मैं सर्च करूंगा किसकी, यूजर की, कि मनी ले लो, मनी ले लो, मनी ले लो, ऐसे बोलूंगा जाके कि घर घर मैं दरवाजे खटकाऊंगा कि आपको पैसा चाहिए 8% पे, आपको चाहिए 6% पे, आपको चाहिए 10% पे, ऐसे करेंगे क्या? क्या 140 करोड़ की आबादी में हम ऐसे कर पाएंगे? तो जब कर ही नहीं पाओगे तो फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की बड़ी जरूरत पड़ती है। हमने जाके अपना सरप्लस मनी या सेव्ड मनी हमने बैंक को दे दिया या NBFC को दे दिया, भाई तुम मुझे इतना परसेंट इंटरेस्ट दे दो और तुम्हें जो करना है इसका तुम कर लो, और उसे क्या करना है, उसे यूजर्स के पास वो मनी पहुंचानी है। उनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनको पता है सेवर कौन है, उनको पता है यूजर कौन है, उनको पता है नीडी कौन है, उनको पता है सरप्लस कौन है। तो अल्टीमेटली दे कैन चैनलाइज द फंड्स इन ए वेरी इफेक्टिव मैनर, वेरी एफिशिएंट मैनर, और कहीं ना कहीं हमें भी तसल्ली होती है कि नहीं, इन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज करके हमारा पैसा सेफ है। इमेजिन करो मैंने कोई आदमी ढूंढ भी लिया अपना पैसा देने के लिए, तो बीच में डर नहीं लगेगा कि यार कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है कि ये मुकर गया, फिर ये महीने बाद मुकर गया, मुकरते लोग ना पैसा लेके, कहते कौन सा पैसा भाग गया, तो होता है ना चिटफंड कंपनीज में, आपने भी कमेटियां उठाई है, हमने भी उठाई, भाग गए लोग, तो वहां पे डर लगा रहता है। लेकिन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में ये हमें पता है कि इट इज टोटली रेगुलेटेड बाय द RBI, हमारा पैसा सेव है। बैंक बंद भी हो जाएगा ना, फिर भी पैसा सेव रहेगा। यस, बैंक डूबा ना, लेकिन इन्वेस्टर को मनी नहीं दिया, क्योंकि RBI की मेन प्रायोरिटी क्या होती है, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इंटरेस्ट ऑफ सेवर्स, इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स,
राइट right? तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर गुड फॉर एनी इकोनॉमी फॉर एनी सिस्टम दे आर गुड. हाँ, उनको स्ट्रीमलाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको जगह जगह पहुंचाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर अथॉरिटी अच्छा रेगुलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर डीरेगुलेट हो गए तो फिर ये भी वैसा ही बिहेव करेंगे जैसे किसान के साथ साहूकार ने किया था, जैसे फार्मर के साथ आड़ती ने किया था, ये वही बिहेव करना शुरू कर देंगे. इसी करके इट इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द RBI. क्लियर हो गया. अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है बैंक, एक है NBFC. बैंक बोले तो जिनके पास बैंकिंग का लाइसेंस है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर, बैंकिंग लाइसेंस के अंडर, और दूसरा NBFC जो बैंक की तरह काम करता है लेकिन उनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है. मतलब वो उतने 100% जितने फीचर्स है बैंक्स के वो उसके पास अवेलेबल नहीं है. जैसे बैंक्स कैन टेक द डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, NBFC डिमांड डिपॉजिट्स को ले नहीं पाएगा. तो सर फिर NBFC क्या करता है? वही जो बैंक करता है, सरप्लस, नीडी, सेवर, यूजर. तो सर फिर वो कैसे, कैसे क्या? जितने भी पेंशन फंड्स हैं ये क्या है? ये NBFCs हैं. जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं ये क्या है? ये NBFCs तो हैं. और ये म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? आपका पैसा लेकर, आपके पास सरप्लस था ना, आपने सेव करके दिया, उसने किसको दिया? इंडस्ट्री को दिया ना, कंपनी को दिया ना, शेयर लिए ना उसके. तो अल्टीमेटली वो चैनलाइज कर रहा है आपके फंड को. पेंशन फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया. ये अभी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, मठहूट फाइनेंस, ये एक NBFC है. मनीपुरम गोल्ड सर्विस पर नहीं गया, वो भी एक सर्विस है NBFCs है. कैसे? गोल्ड लो, लोन दे देते हैं आप, और आपसे कुछ इंटरेस्ट लेते. तो ये NBFCs है.